अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी वॉइस ओवर ट्रेनर फिज़ा फैज़। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। माशाल्लाह आप लोगों ने असाइनमेंट्स जो हैं काफ़ी स्टूडेंट्स ने सबमिट करवाई हैं, और जो आपका जोश था, जो आपकी एक्साइटमेंट थी, वो काबिले दीद थी और काबिले दाद भी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत वेल डन, बहुत माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा काम किया है। और जिनकी असाइनमेंट्स अब तक चेक नहीं हुई, इंशाल्लाह उनकी भी चेक हो जाएंगी, बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं आपको आज के जो फाइनल हमारा लेक्चर है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ डूज़ एंड डोंट्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ डूज़ एंड डोंट्स होते हैं जिनका ख़ास ख्याल रखना होता है, ठीक है, वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग के दौरान। तो जस्ट मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर करवा दूँगी इंशाल्लाह ताला। और बाकी जो है आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, इनको आप रिटर्न फॉर्म में अपने पास लिख के रख लें, ताकि ये आने वाले वक्त में भी आपके काम आए। तो चलिए, नोटबुक्स पकड़ लीजिए और नोट आउट कर लीजिए। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी कि रिकॉर्डिंग के दौरान आपने किन बातों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों से अवॉइड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जब आप रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग, तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बैकग्राउंड नॉइस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जहाँ पर आप वॉइस ओवर कर रहे हैं, जिस रूम में, या अगर स्टूडियो है तो वेल एंड गुड, तो वहाँ पर जो नॉइस है ना, उसका ख़ास ख्याल रखना है कि नॉइस आपकी वॉइस ओवर में बिल्कुल ऐड नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बैड इम्प्रेशन डालती है क्लाइंट पर। ठीक है, अगर आप किसी क्लाइंट को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं वॉइस ओवर की, लेकिन उसके बैकग्राउंड में नॉइस है, तो बिलीव कीजिए कि वो क्लाइंट जो है वो भाग जाएगा, और आपकी जो वॉइस है उसका बहुत बैड इम्प्रेशन रहेगा नेक्स्ट पर्सन पर। तो कोशिश करनी है कि आपने जगह ऐसी सेलेक्ट करनी है जहाँ पर सामान ज़्यादा हो, भरा हुआ कमरा हो। ठीक है, मतलब सामान के साथ। इससे ये होगा कि आवाज़ में इको नहीं होगी, और जितनी ज़्यादा आवाज़ आपकी भारी रिकॉर्ड होगी, उतनी ही इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज़ में खूबसूरती और निखार जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जब वॉइस ओवर स्टार्ट करनी है तो अपना गला साफ कर लेना है। ठीक है, मतलब हाइड्रेट रखिएगा खुद को, पानी वगैरह पी लीजिएगा। और वैसे मैं आपको अगर अपना बताऊं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह शहद का यूज़ करती हूं, और इसके अलावा मैं वॉइस ओवर करने लगती हूं तो उससे हाफ आवर पहले मैं कैंडी, एक मिलती है होस्ट नाम है उसका, वो कैंडी मैं खा लेती हूँ, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा गला जो है एकदम साफ़ हो जाता है, मतलब आवाज़ बहुत क्लियर हो जाती है उससे। खाने में उसका टेस्ट तो इतना ख़ास नहीं है, लेकिन जब आपने एक काम करना है, जब आपने एक स्टेप ले लिया है, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा करना मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जब आपने वॉइस ओवर करनी है तो सांस जो है ना, उसकी आवाज़ें उसमें रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। अक्सर जब हम बात करते हैं तो हमारी बात के दौरान जो है रिकॉर्डिंग में हमारी सांस लेने की आवाज़ें भी साथ रिकॉर्ड हो रही होती हैं, तो ये भी इम्प्रेशन अच्छा नहीं डालती। और इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, आवाज़ के उतार चढ़ाव का ख्याल रखना है, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करना है। ठीक है, और आप लोगों ने क्लियरली बात करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो भी बात आप करेंगे, मतलब जो कंटेंट आपको दिया जाएगा उसमें जो वर्डिंग यूज़ की गई होगी ना, वो वर्ड्स आपने क्लियरली अदा करने हैं। जैसा कि देखें, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको अच्छे से समझ आ रही होगी एक एक लफ्ज़ की। आपको जो कंटेंट दिया जाएगा उसमें आप लोगों ने जो आपकी वॉइस होगी वो क्लियर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बोल रहे हों और नेक्स्ट पर्सन को आपके वर्ड्स की समझ ही नहीं आए कि आप क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पर्सन का समझना कि आप क्या कह रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि कुछ बेसिक डूज एंड डोंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड कंटेंट पकड़ना है। ठीक है, और उसे बार बार रीड करना है, बार बार पढ़ना है। इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको आवाज़ के उतार चढ़ाव का नॉलेज होगा, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा कि कहाँ रुकना है,
कहाँ इमोशंस क्रिएट करने हैं, कहाँ पॉज होना चाहिए यानी गैप होना चाहिए, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स पर आप फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आप बेसिक जो है आपका वॉइस ओवर क्लियर हो जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से इस फील्ड में आगे जा पाएंगे। ठीक है, ये थे चंद डूज एंड डोंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऑडियो लैब में किस तरह से आपने एडिटिंग करके वॉइस ओवर रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, और उसकी असाइनमेंट जो है वो मैं आपको इन्फो ग्रुप में बता दूंगी, ठीक है, और बाकी कोई इशू हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।